देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शैला राव। एक नजर अब तक की खास खबर पर। पुलिस लाइन देहरादून में श्रीमती निवेदिता गुरेती कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन एवं उसके पश्चात मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों की समस्या सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। गोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेश निर्देशों से सभी को अवगत कराते हुए उनका शत प्रतिशत अनुपालन करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। इस दौरान माह अगस्त में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों उप निरीक्षक दिलबर सिंह नेगी, थाना अध्यक्ष प्रेम नगर, कॉन्स्टेबल सुशील कुमार थाना क्लेमर टाउन, उप निरीक्षक अरविंद कुमार, कांस्टेबल शहजाद अंसारी, कांस्टेबल सचिन कुमार थाना विकास नगर, उप निरीक्षक संजय मिश्रा, उप निरीक्षक दिनेश कुमार, कांस्टेबल महेश उनियार, कांस्टेबल विजय कुमार थाना रायपुर, उप निरीक्षक विनोद चौहान, विनोद गुंसाई, कांस्टेबल संदीप नेगी LIU, कांस्टेबल योगेश भट्ट, कांस्टेबल संदीप छावड़ी, कांस्टेबल कमल जोशी, संतोष कुमार थाना ऋषिकेश, लीडिंग फायरमैन प्रोपन नेगी, फायरमैन विपिन चौहान फायर स्टेशन देहरादून को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा भविष्य में भी उनके इसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने की अपेक्षा की गई। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात नगर ग्रामीण, संयुक्त निदेशक विधि क्षेत्राधिकारी नगर डालनवाला सदर विकास नगर ऋषिकेश मसूरी, यातायात मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून तथा समस्त थाना शाखा प्रभारी व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।